नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। लेकर मैं आ गया हूँ 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी बड़े छोटे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो या एसएससी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 2019 में किस देश ने भारत को 24 MH-60R चॉपर बेचने की अनुमति दी है? तो अमेरिका ने दी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, फील्ड स्टाफ के लिए ई लर्निंग प्रशिक्षण में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। चलिए तेलंगाना से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लें। अभी वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर हैं E.S.L. नरसिम्हा, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है। अभी वर्तमान में वहाँ पर TRS पार्टी की सरकार है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019 किसने लॉन्च किया है? तो फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। जापान के 1 मई से शुरू होने वाले नए शाही युग का क्या नामकरण किया गया है? तो रीवा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अफ्सपा लागू नहीं है? तो ये त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, गवर्नर हैं कैप्टन सिंह सोलंकी और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देव, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। अगला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉन ड्यूक्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड देने की घोषणा की गई है, वे किसे मिलेगा? तो विक्रम पटेल को मिलेगा। हाल में किस देश ने नौसेना कमांडर एडमिरल पियाल डी सिल्वा भारत के दौरे पर आए हैं? तो श्रीलंका के हैं। UPI उपयोग के लिए किस बैंक ने ग्राहकों पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ये घोषणा की है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्जीरिया के राष्ट्रपति जो हाल में इस्तीफा दिए हैं उनका क्या नाम है? तो बुटाफ्लिका, गजब का नाम है बुटाफ्लिका। शेफ्रन स्वाइस सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेसिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स के लेखक कौन है? तो मनोशी सिन्हा रावल जो हैं वो शेफ्रन स्वाइस सेंचुरी ऑफ इंडिक रेसिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स के लेखक हैं। 2019 में कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला है, वह किस राज्य में पाई जाती है? तो ओडिशा। अगला है, भारत सरकार ने किस राज्य में TMG स्थापित करेगी? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री 6 साल के लिए बनते हैं, आपको ज्ञात होगा। वहाँ की राजधानी है श्रीनगर। अभी वर्तमान में वहाँ पर राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अभी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के नया जांच प्रमुख किसे बनाया है? तो निकोलस कॉजियन को बनाया है। अगला प्रश्न है, मैत्री ब्रिज किस नदी पर बना है? तो सिंधु नदी। 260 फीट इसकी लंबाई है। स्क्वैश में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष वर्ग के खिलाड़ी कौन हैं? तो सौरभ घोषाल। अगला प्रश्न है, कार्तिक चंद्र रथ जिनका हाल में निधन हुआ है वो कौन थे? तो नाटककार। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक विकास दर ADB 2019 में कितना परसेंट जारी की है? तो 7.2%। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।